फ्रेंड्स एंड वेलकम टू सैपीज किचन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जो बच्चों को बहुत पसंद आती है और बच्चों के साथ एक्चुअली बड़े भी उसे बहुत रैलिश करते हैं। वो है शेजवान वेज हक्का नूडल्स, जो बहुत ही सिंपल तरीके से बनता है। तो आइए चलते हैं मेरे किचन में और बनाते हैं शेजवान वेज हक्का नूडल्स। वेज हक्का नूडल्स बनाने के लिए हम सबसे पहले 4 चम्मच तेल ले लेंगे। जैसे ही तेल गरम हो जाएगा, हम सबसे पहले इसमें 1 चम्मच अदरक डाल देंगे। अदरक सौटे कर लेंगे, थोड़ा लाल होने देंगे। अब इसमें हम 1 बड़ा चम्मच लहसुन डाल देंगे। दोनों को सौटे कर लेंगे। 1 छोटा बारीक कटा हुआ अनियन डाल देंगे। अब हम इसमें सबसे पहले गाजर डाल देंगे। गाजर सॉफ्ट होने के बाद हम हमारी ये जो पत्ता गोभी है, इसे डाल देंगे। पत्ता गोभी को हमें ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है। अब इस स्टेज पर आकर हम हमारा ये 1 शिमला मिर्ची डाल देंगे। अब आप इसे हाई फ्लेम पे स्टर फ्राई कर लीजिए। ध्यान दीजिए, हमारी सारी भाजी को हमने बिल्कुल नहीं गलाना है। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे सीजनिंग के। आधा चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर डालना है, काली मिर्च का पाउडर। आधा चम्मच व्हाइट पेपर पाउडर डालना है। एक टॉस दे दीजिए इसे। अब इसमें हम हमारा 1 बोल नूडल्स डाल देंगे, बॉइल नूडल्स। कर लेंगे। थोड़ी और सीजनिंग कर लेते हैं हम इसमें डालेंगे ये 1 बड़ा चम्मच विनीगर है, ये 1 बड़ा चम्मच सोया सॉस है, ये मेरे पास सेजवान सॉस है, ये आधी चम्मच चिली फ्लेक्स है, आधा चम्मच मिक्स हर्ब्स है, थोड़ा सा नमक और डाल देंगे। सब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और लास्ट में ये मेरे पास 1 कटोरी बारीक कटा हुआ स्प्रिंग अनियन है, इसे डाल देंगे। और ये हमारा नूडल्स बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। आप इसमें अपने पसंद की सब्जियां भी डाल सकते हैं आपको चाहिए तो। मैंने बिल्कुल बेसिक सब्जी लेके इसे तैयार किया है। आइए हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। वेजिटेबल हक्का नूडल्स घर पे ही बिल्कुल थोड़ी सब्जियों के साथ बनके तैयार हो गया है। बहुत ही टेम्पटिंग बना है, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। आपको मैं बता दूँ, इसमें आप कोई अन्य सब्जी भी अपने पसंद की डाल सकते हैं। इस तरीके से बनाइए, बच्चे भी खुश हो जाएंगे, घर वाले भी खुश हो जाएंगे। और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।